मौसम में हो रहे बदलाव के कारण विभिन्न बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगा है। इसके चलते शासकीय अस्पतालों सहित निजी अस्पतालों में मौसमी बीमारियों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक सप्ताह से मुरादाबाद में आई फ्लू का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग आई फ्लू से संक्रमित हुए हैं। सरकारी अस्पताल में प्रतिदिन कई मरीज आंखों की शिकायत लेकर आते हैं। मुरादाबाद के सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट की नेत्र चिकित्सक डॉक्टर आशी खुराना ने बताया कि प्रतिदिन आने वाले मरीजों में इन दिनों आंखों में पानी आने, लाल होने, किरकिराहट होने और दर्द और सूजन की शिकायत लेकर मरीज पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि आई फ्लू और पिंक आई के नाम से होने वाली ये बीमारी कंजक्टिवाइटिस है। आई फ्लू वैसे तो ज्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन आंखों में होने के कारण ये कष्टदायक होती है। आम वायरल की तरह ही ये बैक्टीरियल भी होती है। जब भी मौसम बदलता है ये अपना असर दिखाती है। आपको बता दें कि संक्रमण होने पर आंखों को साफ पानी से धोएं। जिस व्यक्ति को संक्रमण हो रहा है उसके तौलिए, बिस्तर, तकिया, पहने हुए कपड़े आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आंखों पर बार बार हाथ भी नहीं लगाने चाहिए। ये संक्रामक बीमारी है, ये तेजी से फैलती है। अगर किसी को हो गई है तो शीघ्र डॉक्टर से परामर्श लें। ये एपिडेमिक केराटोकंजंक्टिवाइटिस है। ये एक बहुत महामारी की तरह पूरे इंडिया में बहुत लोगों की आंखों में इन्फेक्शन कर रही है। ये संक्रमण होता है, खास प्रकार का वायरस होता है। ये वैसे तो टच करने से और फोमाइट्स यानी तकिया, तौलिया, रुमाल, इससे एक व्यक्ति से दूसरे को फैलता है। लेकिन इसका प्रिवेंशन या बचाव भी सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि हम अपने हाथों को, अपने तकिए, तौलिया, रुमाल, इन सबको अच्छी तरह से सैनिटाइज रखें और दूसरों के साथ शेयर ना करें। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि ये इसमें खुद की दवाइयाँ डालना भी गलत होता है। इसमें डॉक्टर से पूछ के ही दवाई डालना होता है, क्योंकि कई बार इसमें स्टेरॉइड्स वगैरह डाल लेने से, अननेसेसरी या समय से पहले स्टेरॉयड डाल लेने से भी वायरस शेडिंग बढ़ जाती है। तो डॉक्टर की देख रेख में ही दवाई डालनी चाहिए। अगर इस कंजंक्टिवाइटिस की और ख़ास बात यह है कि आईसाइट के ऊपर भी कभी कभी असर डाल देती है, तो उसमें भी खासतौर से प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि समय पे रहते डॉक्टर से पूछ के और दवाइयाँ करनी चाहिए। हॉस्पिटल में आपके अभी तक ऐसे कितने मरीज आए हैं और आपने क्या है? हमारे यहाँ पे ऑलरेडी इतना हाई इन्फेक्शन का रेट है कि हम लोग लगभग 30 मरीज रोज के देख रहे हैं, और इन पेशेंट्स को आइसोलेट करने के लिए हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल में भी एक आइसोलेशन एरिया बना रखा है, ताकि हर मरीज उनके साथ में इंटरेक्ट ना हो। मरीजों की भी और आम जन को भी इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो आम सतह है, जैसे दरवाजे के नॉब्स हैं, कुर्सी के हत्थे हैं, इन सब से भी इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से एक व्यक्ति से दूसरे को लग सकता है। तो अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करना, धोना, आँख को टच नहीं करना, खासतौर से ऐसी जगहों में जहाँ पे कि पब्लिक का आना जाना है या आंखों की बीमारियों वाले मरीज हैं। लापरवाही का अंतिम क्या पायदान रहेगा? जो लापरवाही है तो दिखाएगा। वैसे बहुत खतरनाक बीमारी तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि आईसाइट चली जाती है, लेकिन हाँ, आईसाइट को टेम्प्ररी नुकसान जरूर हो सकता है कुछ लोगों में, जिसमें रिएक्शन, तो उससे भी घबराना नहीं चाहिए। दवाइयों से वो चीज़ हैंडल की जा सकती है और ठीक। घरेलू महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं छोटे, वो क्या करें घर पे? इन सबसे पहले और ज़रूरी बात यह है कि छोटे बच्चों में आइसोलेशन करना ज़रूरी है। माँ बाप को कई बार पढ़ाई की बहुत फिक्र होती है, और कंजंक्टिवाइटिस की प्रेजेंस में उन्हें स्कूल नहीं भेजना है, घर में रखना है, और बच्चों को काला चश्मा लगाना है, हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है, तकिया, तौलिया, रुमाल अलग रखना है, जो बाद में कई बार आपसे बोल रही हूँ, और घर में बाकी लोगों से आइसोलेट रखना है, ताकि और लोगों को भी उनसे ना फैले, खासतौर से बुजुर्गों को और बहुत छोटे बच्चों को।